आर्थिक अविशेष में तो कि यहाँ से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान ब्रह्मा अपने बद्रीनाथ भगवान का विशेष श्रृंगार तीन आरती महाआरती का पूजन होता है और ये अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है और वहाँ भगवान के बद्रीनाथ भगवान के पट खोले जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ में खुलते पट वैसे यहाँ भी खोले जाते हैं और तीन आरती महाआरती होती है यहाँ पे प्रातःकाल सुबह 12 बजे और सायंकालीन 7 बजे। आज जो दोपहर को जो आरती की गई, क्या विशेष महत्व है इसका? इस आरती का विशेष महत्व है कि यहाँ से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान ब्रह्मा अपने बद्रीनाथ भगवान का विशेष श्रृंगार तीन आरती महाआरती का पूजन होता है और मनोकामना पूर्ण के लिए की जाती है ये अक्षय अक्षय तृतीया। आज जो ककड़ी और दाल का जो भोग लगाया है इसका क्या महत्व? ये प्राचीन पौराणिक महत्व है, ये ककड़ी और प्रसाद भगवान विष्णु का जो प्रसाद है ये नारायण भगवान की प्रसादी महारूप में मानी जाती है और ककड़ी और चने का प्रसाद विशेष मान्यता रखता है। आपका नाम? कमलचंद पाराशर बन्नारमन भी बड़ी पसंद। आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर तीर्थराज पुष्कर के सरोवर के तट पर कृष्ण घाट पर पंडित आचार्य पुष्करानंद जी शास्त्री जी एवं ओम प्रकाश जी पाराशर जी के नेतृत्व में यहाँ ब्राह्मण बालकों को बटुकों को यज्ञ पवित्र संस्कार का उनको यज्ञ पवित्र जो है उनका संस्कार किया जा रहा है और ये सभी ब्राह्मण बटुक जो है ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को द्विज यज्ञ पवित्र धारण करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ पवित्र संस्कार। तो इसके लिए आज पंडित पुष्करानंद जी शास्त्री और ओम प्रकाश जी पाराशर नेतृत्व में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण घाट पर पुष्करराज के तट पर ये यज्ञ पवित्र संस्कार ब्राह्मण बालकों को 101 बालकों को किया जा रहा है। आपका नाम? पंडित मधुसूदन पाराशर पुष्कर। पंडित पुष्कर नारायण शास्त्री। आज ये वैशाख शुक्ला तृतीया यानी अक्षय तृतीया परशुराम जयंती श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ के तट के ऊपर श्री कृष्ण घाट के ऊपर आज करीब 100 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका, क्या संदेश दिया जाए? इसका उद्देश्य यह है कि यज्ञोपवीत शब्द है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ उपवीत, उपवीत कहते हैं ये सूत्र, उपवीत शब्द का अर्थ होता है ये सूत्र और यज्ञ यज्ञो वही विष्णु मतलब बिना सूत्र धारण किए हुए हम यज्ञ का कार्य संपादन नहीं कर सकते और ये जो पुष्कर राज है यह सतयुग का तीर्थ है और ब्राह्मणों की ये पूर्ण नगरी है, इसके अंदर हमारे ब्राह्मण जो बटुक है ब्राह्मणों के लिए कम से कम 8 वर्ष की अवस्था लिखी है यज्ञोपवीत के लिए, तो हम इन सभी को यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार जिसको जनेऊ कहते हैं यह करा करके इनको अच्छे वेद पाठी अच्छे कर्मकांडी और विद्वान पौरोहित बनाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं पुष्कर के पंडे पंडे, अरे पंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडा का मतलब होता है पंडा, पंडा शब्द बहुत ऊंचा है, पंडा का मतलब होता है सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, जिसमें ये ज्ञान हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बुद्धि जो दुनिया को देता है उसका नाम है पंडा, समझ गए? आपका नाम बताओ। मेरा नाम है पंडित पुष्कर नारायण शास्त्री।